हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू वेरीफाई डोमेन इन फेसबुक बिजनेस मैनेजर। देखो, डोमेन वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब तक आप लोग डोमेन वेरिफिकेशन नहीं ना करोगे, तब तक आप लोग अपने पिक्सल को अपने शॉपिफाई अकाउंट के साथ, शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग अपने पिक्सल को शॉपिफाई से कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको डोमेन वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके। सो वो किस तरीके से करते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं अपना फेसबुक पेज ओपन करके रखा हुआ है। तो आप लोगों ने सिंपल से अपना इस तरीके से फेसबुक पेज जो है ना, उसको ओपन कर लेना है, लॉगिन करके रख लेना है। मेक श्योर करना है आपका फेसबुक पेज ही ओपन हो, ये ना हो आप अपनी प्रोफाइल पे स्विच करके रखा हो। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से इधर साइड पे देखो, मोर टूल्स शो हो रहे हैं। इधर आप लोगों ने ड्रॉप डाउन करना है, इधर आप लोगों को मेटा बिजनेस सूट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, सही है। सिंपल से आप लोगों ने इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपके सामने इस तरह की कुछ स्क्रीन शो हो जाएगी। अब इधर लेफ्ट साइड पे काफी ज्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं, आप लोगों ने इधर से ये देखना है, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है ना, इसके नीचे सेटिंग्स है, आप लोगों ने इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन को चूज करना है। सिंपल से सेटिंग पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल गया जाएगा। अब इधर आप लोग देखो, बिजनेस सेटिंग का एक बटन आपको शो हो रहा है, आप लोगों ने इस बिजनेस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। देखो यार, इधर मैं आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करता चलूँ, फेसबुक जो है वो दिन ब दिन अपडेट होती रहती है। तो आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, जस्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लेना है और इधर उधर आप लोगों ने उसे रिसर्च कर लेनी है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि फेसबुक चीज़ों को अपडेट करता रहता है। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से इधर ये चेक करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर आपको ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। दो नीचे ऑप्शन शो देंगे, डोमेन और ब्लॉक लिस्ट का। तो सिंपल से हम लोगों ने डोमेन वेरिफिकेशन करनी है, तो मैं डोमेन पे क्लिक कर दूंगा इधर से, एंड देन उसके बाद इधर ऐड पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी न्यू डोमेन इधर वेरीफाई करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों ने इधर ये चेक करो, इधर से आपको योर डोमेन का पूछ रहे हैं। अब इधर कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो ये कि आप लोगों ने HTTP या HTTPS नहीं लिखना अपनी डोमेन के स्टार्ट में, जैसा कि होता है, और ना ही आप लोगों ने www कुछ लिखना है, सही है। डायरेक्ट आप लोगों ने अपने डोमेन का नाम रखना है। अब फॉर एग्जांपल, मेरी डोमेन का नेम है गराज ऑनलाइन, तो इधर मैं लिख दूंगा, ना मैंने स्टार्टिंग पे www लगाया और ना ही मैंने स्टार्टिंग पे HTTPS लगाया, आप लोगों ने भी इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से ऐड पे क्लिक करना है, जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो ये वाला विंडो इधर आ जाएगी। अब इधर चेक करो, हमारी जो डोमेन का नाम आ रहा है और सामने लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड, अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई। एंड देन उसके बाद आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, इधर ये चेक करो, सिलेक्ट वन ऑप्शन का इधर एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोगों ने इधर से ड्रॉप डाउन करना है। सिंपल से जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे, इधर तीन ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, पहले वाला को नहीं चूज़ करना, दूसरे वाले को नहीं चूज़ करना, और तीसरे वाला जो अपडेट द DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड है ना, इसको आप लोगों ने चूज़ करना है, तीसरे वाले को। दोबारा से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले को नहीं करना, दूसरे को भी नहीं करना, आप लोगों ने जो तीसरा ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को इधर एक ऑप्शन मिलेगा, ये चेक करो, फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन वाला ये लिंक है, इसके ऊपर ये चेक करो, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ ना, वो मुझे कह रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे ना ऐसे, तो ये कॉपी हो जाएगा, ये सारा का सारा, इसको आप लोगों ने ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा आप लोगों ने अपनी डोमेन को वेरीफाई करना है। उसके लिए आप लोगों ने अपनी डोमेन जिधर से भी परचेज़ की है, उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मेरे केस में मैंने डोमेन जो परचेज़ की हुई है, वो GoDaddy से की हुई है। अब आप लोगों ने अपना देख लेना है, किधर से आप लोगों ने परचेज़ की हुई है। मैंने GoDaddy के अकाउंट में अपना जो लॉगिन करके रखा हुआ है, इधर आप लोग देखो, ये मेरी डोमेन शो हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने मैनेज DNS में चले जाना है। सेम आपके केस में भी सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। अगर आप लोगों ने किसी और प्लेटफॉर्म से बाई की हुई है, तो आप लोग उधर जाओ, उधर सिंपल से अपना अकाउंट लॉगिन करो, अपनी डोमेन में चले जाना है आप लोगों ने, और DNS मैनेजमेंट में चले जाना है सिंपल से। अब इधर ये चेक करो, मैंने DNS मैनेजमेंट ओपन किया है, तो मेरे सामने ये खुल के आ गया डैशबोर्ड। अब इधर DNS रिकॉर्ड हम लोग ऐड करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है आप लोगों ने। सिंपल से सबसे पहले ऑप्शन आता है टाइप का, टाइप आप लोगों ने रखनी है इधर TXT, टेक्स्ट वाली टाइप रखनी है, ओके। उसके बाद नेम आता है, नेम में आप लोगों ने ऐट द रेट डाल देना है, और वैल्यू में आके आप लोगों ने वो जो वैल्यू हम लोगों ने अभी कॉपी की थी ना, उसको आप लोगों ने पेस्ट करना है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग घबराओ नहीं कि यार पता नहीं ये क्या इधर कॉपी पेस्ट करी जा रहा है। सिंपल से ये चेक करो, ये जो थी ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये वाला जो टेक्स्ट था, इसको क्लिक किया मैंने, कॉपी हो गया। एंड देन दोबारा इधर से चलता हूँ मैं वैल्यू वाले सेक्शन में, और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ओके।
उसके बाद आ जाता है TTL, इसको जो भी होगा बाई डिफॉल्ट आप लोग रहने दो, वन ओवर होगा और 1/2 ओवर होगा, जो भी होगा उसको रहने दो, उसको सिंपल से आप लोगों ने सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है रिकॉर्ड को। हमारी जो है DNS रिकॉर्ड्स अपडेट हो रही हैं एंड सक्सेसफुली लिखा गया है कि अपडेट हो गया है। अब दोबारा से हम लोगों ने जाना है अपने फेसबुक पेज में इस जगह पे, और वेरीफाई डोमेन का जो ये बटन है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको नो DNS एंट्रीज फाउंड मिलेगा, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये चीज़ देखकर आप लोगों ने सिंपल से पेज को रिफ्रेश करना है, सही है। जैसे ही आप लोग पेज को रिफ्रेश करोगे ना, या सिंपल से आप लोगों ने इधर से सेलेक्ट वाला ये जो ऑप्शन होगा ना, ये हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं होगा, सिंपल से आप लोगों ने इसको दोबारा ड्रॉप डाउन करना है और थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक कर देना है। तो ये चेक करो गराज ऑनलाइन हैज़ बीन वेरीफाइड लिखा आ गया है। वो देखो वो चीज़ इसलिए आई थी क्योंकि हम लोगों ने अपना ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं किया था, तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने दोबारा जाके उस थर्ड ऑप्शन को चूज़ करके और वेरीफाई करना है, तो इस तरीके से आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। सिंपल से डन पे क्लिक करोगे तो ये चेक करो हमारी जो गैराज ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। अब इधर से आप लोगों ने भागना नहीं है, अभी थोड़ा सा काम और रहता है, उसको आप लोगों ने देख के जाना है। अब आप लोगों ने सिंपल से इधर कनेक्ट एसेट का ये ऑप्शन ये जो शो हो रहा है ना, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर ऐड एसेट का एक बटन मिलेगा, इस पर आप लोगों ने सिंपल से क्लिक कर देना है। एंड देन इधर आप लोगों को आपका जो फेसबुक का पेज होगा ना वो शो हो जाएगा, जो आप लोगों ने बना के रखा होगा। अगर आप लोगों ने मल्टीपल पेजेस बना के रखे हुए हैं तो आपको इधर मल्टीपल पेजेस शो हो जाएंगे, अदरवाइज आपका जो भी पेज होगा इधर शो हो जाएगा। आप लोगों ने सिंपल से उसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और ऐड पे क्लिक कर देना है, और इधर ऐड एसेट लिखा आ गया है, उसको मैं डन करता हूँ और हमारा पेज इधर से ऐड हो गया है। सो मेक श्योर करना है आप लोगों ने अपने पेज को ऐड एसेट्स में आके, कनेक्टेड एसेट्स में आके अपने पेज को ऐड कर लेना है। अभी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी डोमेन जो है वो वेरीफाइड हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारी पिक्सल्स को क्रिएट करना है। सो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर आप लोगों को इस वक्त शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।